नमस्कार, नरसिंह श्रावणी न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अचंभित फैसला सुनाया, क्योंकि जिस राहुल गांधी ने पूरा कांड किया वह तो सीना चौड़ा करके चमची मीडिया द्वारा सहानुभूति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, परंतु उस जिसके ऊपर राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की, अब सुप्रीम कोर्ट भी शायद उनको जांच के दायरे में ला गया है। इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, अब आपको बताने जा रहे हैं। इन सब में कोर्ट ने पूरे मोदी जो कि इस केस के याचिकाकर्ता हैं, इसके अलावा गुजरात सरकार को भी आदेश दिए हैं। लेकिन ये सब होने से पहले राहुल गांधी जो कि बार बार यह दोहराते रहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा, परंतु सुनवाई होने से पहले चुपके से राहुल गांधी ने यू टर्न लेकर के एक पत्र पहले ही दाखिल कर दिया था। राहुल गांधी की अकड़ सुप्रीम कोर्ट में शायद ढीली पड़ गई, कोर्ट में गिड़गिड़ाए हो रहा। आखिरकार 8 साल तक राहुल गांधी इस फैसले से राजनीति से बाहर का रास्ता साफ तौर पर दिख रहा है। और खबर यहां तक भी आ रही है कि 2016 की एक पीआईएल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई में फैसला जल्द आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस याचिका को दायर किया था, जिस याचिका में कहा गया है कि अगर किसी को इस तरह की सजा सुनाई जाती है तो उसको लाइफ टाइम बैन लगाया जाएगा, उसको राजनीति से ही नहीं केवल बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने को लेकर के बहुत सारे चीजें हैं जिन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट जल्द सुना सकता है। लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी के राजनीति से बाहर जाने का रास्ता जो पर खबर है, इसके बाद सोनिया समेत पूरा विपक्ष सदमे में आ चुका है। आपको बताते हैं आखिरकार सीजीआई ने क्या फैसला सुनाया है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो विवादों का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कहीं पहुंचते हैं विवाद तो उनसे पहले वहां मोबाइल खड़ा होता है और जब भी वह मुंह खोलते हैं अपना परिचय पप्पू वाला देते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, सोशल मीडिया पर, जबकि राहुल गांधी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपको बता दें इन सबके बीच में एक मामले में जो लोअर कोर्ट से चलते चलते अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अहम फैसला सुनाया है। मामला राहुल गांधी का मंच से अपशब्द बोलना, जिस पर भाजपा ने उन्हें घेर लिया और कोर्ट घसीट कर ले गई थी। अब राहुल गांधी को अब 8 साल तक उनकी सदस्यता रद्द होने की बात आ रही थी, जिसको लेकर उनका राजनीतिक जीवन काले बादल जो मर रहे थे। चलिए जी, आपको लिए चलते हैं कोर्ट की तरफ और जानते हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सब मोदी चोर पर क्या फैसला और टिप्पणी की है। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो हमें यूपीआई करके नीचे दिए नए नंबरों पर हमें आप सहायता राशि भी भेज सकते हैं और हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पूरा का पूरा खेल। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जी हां, आज जो सुनवाई हुई इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पुरोहित मोदी और गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया है। वही अब इस मामले में अगली सुनवाई को 4 अगस्त की तारीख दे दी गई है। तब तक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा, यानी कि कोई भी स्टेज पर नहीं लिया गया है। जानकारी दे दें कि गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम के मामले में इससे पहले भी सजा सुनाई थी। इससे पहले वह गुजरात हाईकोर्ट में गए थे लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था। वहीं राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार याचिकाकर्ता पुरेश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिसमें आपराधिक महान्यान मामले में उनको सजा रोक लगाने पर इनकार कर दिया गया था, लेकिन जिसमें सूरत की अदालत में मोदी उपमान टिप्पणी पर 2 साल सजा सुनाई गई। हालांकि इस बाबत राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग रखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बाबत दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों को जारी नोटिस का जवाब देने को कहा है। इससे पहले
पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह अपील कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है कि याचिका में कहा गया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को बार बार कमजोर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का स्वामा जो नाम है उपनाम है वो मोदी ही क्यों होता है। इस तरह से टिप्पणी को लेकर के गुजरात के सरकार में पूर्व मंत्री पुरेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 में आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मामले में फैसले के बाद राहुल गांधी के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड में से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हो सकता था कि राहुल गांधी के संसद सदस्य बहरहाल जो कहीं ना कहीं भारत सूरत की पेट्रोमेट्रिक अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से 24 मार्च 2023 को अयोग्य ठहराया गया था। यदि दोष सिद्धि पर रोक लग जाती तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन हाईकोर्ट के इस मामले को दोष सिद्धि पर रोक संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए 7 जुलाई को कहा था कि राजनीति में शुचिता अब समय की मांग है। न्यायमूर्ति हेमंत जो है उन्हें याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि जनप्रतिनिधियों के स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए अगर राहुल गांधी को अपने बयान पर खेद जतान देते तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती। पुलिस मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर में जो एक कैविट राहुल गांधी के मानहात को लेकर के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी इसके खिलाफ और शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक जो पुलिस मोदी ने भी एक कैविट जो है वो अपील दायर की थी। अपने कैविएट में पुलिस मेदू ने कहा है कि इस मामले की उनकी दलील सुनी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मानहान के मामले में वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब पूरा मामला आपको बता दें, राहुल गांधी 2013 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार की एक चुनावी रैली के दौरान सभी चोरों का समान उपनाम जो है वो मोदी ही क्यों होता है, इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जो है वो बीजेपी नेता पुरेश मोदी उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। गांधी ने याचिका में कहा था कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करेगा। इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा जो भारत के राजनीतिक माहौल के भविष्य को गंभीर रूप से हानिकारक होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपराधिक मानहानि के इस मामले में अप्रत्याशित रूप से अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई जानी चाहिए, जो आपसे कहीं ना कहीं ये जो अभी जो किया गया ये दुर्लभतम है, अभी जो फैसला लिया गया है। इन सबके बीच में सबसे हम आपको बता दें वो यही है कि आखिरकार ये इस मामले को सबसे बड़ा तूल किसने पहुंचाया है। इस मामले को तूल पहुंचाने वाला व्यक्ति एक ही है जो है राहुल गांधी। ये मामला एक अगर राहुल गांधी कहते हैं मामला बहुत बड़ा नहीं है तो राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि मामला बड़ा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर जिस तरह से राहुल गांधी के बयान आते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं, अगर राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं और सभी मोदी चोर को लेकर के वो कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा है कि मोदी चोर हैं तो कृपया करके आप इसको क्लैरिफाई कर लें और माफी मांग लें, एक माफी इनामा दे करके हम आपको सजा नहीं सुनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि अगर ये बात ये मामला यही सिमट जाएगा तो हमें लगता है कि उनको आने वाले समय की राजनीति में उनको उसका फायदा नहीं हो पाएगा। उनके लोगों ने शायद उनको उकसाया और कहा कि आप यहाँ माफी मांगना, और राहुल गांधी ने वहां माफी नहीं मांगी। उसके बाद उच्च कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, बल्कि बार बार वहां पर जो न्यायाधीश थे वो ये कहते रहे कि क्योंकि ये मामला न्यायाधीश भी चाहें खुद भी तो सजा पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक टर्मिनोलॉजी है, जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत राहुल गांधी को सजा हो रही है, और अगर उस प्रतिक्रिया में छेड़छाड़ कर दी जाए तो वो खुद जज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो
वो उस बात के लिए बाध्य है कि उसको फैसला सुनाना ही सुनाना है। ऐसे में जज साहब ने, न्यायाधीश ने ये कहा उनसे कि आप माफी मांग लो, क्योंकि आप माफी अगर मांग लोगे तो एक प्रावधान है उसके जरिए हम आपको यहाँ पर माफ कर देंगे और आपकी सजा को यहाँ पर नहीं सुनाई जाएगी और आपको बाकायदा यहाँ से बरी हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां माफी नहीं मांगी। अब राहुल गांधी को उसकी सजा अब यहां पर साफ तौर पर भुगतनी पड़ रही है। आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? क्या इस सबका जिम्मेदार मोदी सरकार है? क्या इस सबके जिम्मेदार प्रदेश मोदी हैं? क्या इस सबके जिम्मेदार गुजरात सरकार है या राहुल गांधी खुद? क्योंकि इन सबको क्रिएट करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, राहुल गांधी, जो राजनीतिक फायदे के लिए लोअर कोर्ट में माफी नहीं मांगी और आज सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही एक चिट्ठी चुपके पकड़ा आते हैं और कहते हैं, मिलॉर्ड मेरे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे, मेरा करियर खराब हो जाएगा, कृपया मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए और मुझे माफ किया जाए। शायद यही कहना वो चाह रहे थे। बने रहे हो लीनोज नेसर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।